लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। बाबा हमेशा खिलाते थे ना, तेरी मां के लो बीप फैली आओ, गाली देना बंद कर। ए रॉनी, चलना। कहाँ? हमारे साथ। भाई रूटीन पेपर वर्क है, करके आ जाओ। और बता क्या चल रहा है? फिलहाल हम खजूर खा रहे हैं। अरे लगता है बैकअप नहीं मांगी। तुम रुको, हाँ हम आते। विक्रम। यस। विक्रम, विक्रम कौन मारे तुझे? छोड़ मेरे भाई को। If anything happens to my brother, I'll kill both of you. We are not two. We're not 100. We are a whole country. तुम्हारा भाई विक्रम कल से गायब है। तुम ये सब कैसे जानते हो? So who do you think can do this to your brother? अबू जलाल काजा। अबू जलाल इंसान नहीं है, परछाई है। अगर अबू जलाल मिले तो उसकी माचो बीत देना। जैश अल-असगर। No one can stop me. जब भी हम मुश्किल में होते थे हम चिल्ला के उसे बुलाते थे। Rane! अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, कसम हमारे बाप की, तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। Coming off of Baagi 2, we've had huge expectations, so keeping that in mind, I've got to give it my all because everybody else on the team is giving their all. कल हम लोग का होने वाला है कम से कम 90-95 blast in a row. So worried and scared about that, क्योंकि इसमें टाइगर खुद लाइव भागने वाले हैं. There is no VFX. Watch that. We are not two.
We're not a hundred. We are a whole country. It's freezing here. It's reporting about -7 degrees right now. And Tiger was standing bare body. He's got cramps in his body, but he looked great. टाइगर ने जितनी भी मेहनत की आप लोगों के लिए की है, यहीं छिल रहा है, कमर पे छिल रहा है, सर पे लग रहा है, बॉडी डिस्क शिफ्ट हो जाती है, सब हो जाता है। और बागीत्री का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धांसू तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुंचे। और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दे, जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागीत्री की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को 2 गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन 3 खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में
कुछ नया क्या होने वाला है। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है। होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों, दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों, फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों, दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों, टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज़्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से
एक है। सुपर हिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली उबली वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन 3 खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग।
जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रोल और अपने लिए एक रोल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे। वेल दोस्तों दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग, और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी, और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बड़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे, और बागी 3 का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धासु तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज़्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुँचे, और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दें जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की, और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का
ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है, वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा, और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों, दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर, और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों, फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों, दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा
दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग, और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी, और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप जो सामने आ ही जाता है, और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों, टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे, और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया, और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की, और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे, और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं, और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं, और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में
किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर, बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे, और दोस्तों इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है। दोस्तों टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा, और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है, और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं, और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर, और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग, और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी, और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सामने आ ही जाता है, और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे, और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज़्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में
पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे और बागी 3 का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धांसू तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुंचे और अब पिंक सिटी में यहाँ बागी 3 का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धांसू तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुंचे और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचाकर रख दी थी। आपको बता दे, जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा
पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बड़ी, इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज़्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। पूर्व में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दे जयपुर में
टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के साथ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों, दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद
टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों, फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों, दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों, टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं।
टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए ज़रूरी है कि फूड के साथ ज़ोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों, दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों, फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों, दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों, टाइगर और
दिशा पाडने की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बड़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटने के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज़्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे और बागी 3 का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धासु तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज़्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुँचे और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दें, जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज़्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा ज़रूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए ज़रूरी है कि फूड के साथ ज़ोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली
पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा, और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है, और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं, और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर, और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सामने आ ही जाता है, और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे, और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज़्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया।
खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली उबली वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो बागीत्री का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धांसू तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुंचे और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दे, जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का
ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा ज़रूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए ज़रूरी है कि फूड के साथ ज़ोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन 3 खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ दूर रहते हैं, इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन 3 खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों, दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग।
जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रोल और अपने लिए एक रोल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे। वेल दोस्तों दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे और बागी 3 का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धांसू तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुंचे और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दे जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर ने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का
ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा ज़रूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए ज़रूरी है कि फूड के साथ ज़ोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन 3 खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा, और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है, और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों, दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों, दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों, दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर, और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों, फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों, दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा
अलावा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी, और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सामने आ ही जाता है, और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों, टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे, और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की, और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे, और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं, और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं, और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली
पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा, और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है, और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं, और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर, और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सामने आ ही जाता है, और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और दिशा पाटनी की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे, और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया।
खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे और बागी 3 का इंतजार सबको बड़ी ही बेसब्री से था और सभी लोग कर रहे थे। और टाइगर भी तो फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए पीछे नहीं रह पाते थे। पहले सर्बिया से अपने धांसू तस्वीरें शेयर करके फैंस को बहुत ही ज्यादा दीवाना किया और उनके मन में एक बड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दी। और अब जब सर्बिया से लौटे तो पिंक सिटी जा पहुंचे और अब पिंक सिटी में यानी जयपुर में भी टाइगर श्रॉफ ने धूम मचा कर रख दी थी। आपको बता दें, जयपुर में टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग के लिए पहुंचे थे और वहां उनकी फैंस की दीवानगी भी देखते ही बनती है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ अपने फैंस के सामने शूटिंग कर रहे थे, तब उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगर एक घर के छत पे थे और आसपास के फैंस भी उस घर को चारों तरफ से घरों के ऊपर चढ़कर टाइगर श्रॉफ को मिलने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर टाइगर चिल्लाने लगे। टाइगर और दिशा पाटनी अपने प्यार को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या वो इस रूल को खुद ही फॉलो करती है? हाल ही में दिशा पाटनी ने एक नई फिल्म लॉन्च की थी, वो थी मलंग, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर को किस करते हुए हमें नजर आई थी। ये एक सॉलिड एक्शन ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म थी दोस्तों, जिसके स्टारर थे आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और अनिल कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज हमें इस मूवी में दिखे थे। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों फिल्म के पोस्टर में ही नहीं, पूरी फिल्म में उनके बहुत कई ज़्यादा इंटीमेट सीन हमें दिखाई दिए थे। तो दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के लिए एक रूल और अपने लिए एक रूल, ये तो गलत बात है। मतलब टाइगर कुछ बोलते नहीं तो आप कुछ भी करोगे? वेल दोस्तों, दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है बागी 3 में। क्या बागी 4 में दिशा पाटनी का होगा फिर से एक बार आइटम सॉन्ग? और क्या दिशा पाटनी टाइगर को डेट कब तक करती रहेगी? और ऐसा क्या हो गया कि दिशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को टाइगर श्रॉफ के लिए छोड़ दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बागी 3 मूवी के कुछ अनोखे अनसुने फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बाहरी दुनिया से मानो जितना भी छुपाए, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सामने आ ही जाता है और एक ऐसी बात है जो छुपाए कभी नहीं छुपती। दोस्तों टाइगर और
दिशा पाडने की जोड़ी ऐसे फेमस हुई थी कि ये दोनों बेफिक्रा सॉन्ग के दोनों हमें एक दूसरे के साथ नजर आए थे और वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था और साथ ही दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसी गाने के बाद दोनों की नजदीकियां बहुत बड़ी। इसी गाने के बाद दर्शकों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वहाँ वो बागी 2 में नजर आए। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिशा टाइगर से पहले किस एक्टर को डेट कर रही थी? अफवाहों की माने तो दिशा पाटनी के लाइफ में टीवी एक्टर पार्थ संपार्थ थे। दोनों ही एक साल से ज्यादा वक्त के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों का ही ब्रेकअप हो गया। खबरों की माने तो दिशा पार्थ को डेट कर रही थी। दिशा उस वक्त सिर्फ एक मॉडल थी, जबकि पार्थ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना कूल एक्टर थे। इस कपल की ब्रेकअप का वजह विकास गुप्ता को बताया। दरअसल 2016 में पार्थ ने विकास पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, जबकि कहा यह गया था कि दोनों ही रिलेशनशिप में थे। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 साल की धमाकेदार एक्शन फिल्मों में से एक है। सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट यानी कि बागी 3 का बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया। टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों, टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने डाइट में चिकन और अंडा जरूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए जरूरी है कि फूड के साथ जोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों, टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीजों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन 3 खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों, इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ।
भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने पैर को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन क्या आपने भी अपने फैंस को डिसअपॉइंट थोड़ा भी नहीं होने दिया और उनकी एक्साइटमेंट को दो गुना बढ़ा दिया? टाइगर ने अपने फैंस के लिए अपने मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट की और टाइगर को ऐसा करते देख टाइगर श्रॉफ के फैंस और ज़्यादा एक्टिव होने लगे और जोर जोर से टाइगर श्रॉफ चीखने चिल्लाने लगे। दोस्तों टाइगर बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक है। टाइगर अपनी हेल्थ और मस्कुलर बॉडी का खूब ख्याल रखते हैं। आज के दौर में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं और वो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना। चलिए अब आपको बताता हूँ टाइगर और उनकी मस्कुलर बॉडी का एक अनोखा राज, जिसे जानकर आप भी टाइगर जैसी बॉडी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों टाइगर श्रॉफ नॉन वेजिटेरियन है, वो अपने डाइट में चिकन और अंडा ज़रूर लेते हैं। उनके ब्रेकफास्ट में वो 8 अंडे और ब्रेकफास्ट लेते हैं। वो लंच से पहले ड्राई फ्रूट्स और शेक लेना पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ उबली हुई वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेते हैं। शाम को वो प्रोटीन शेक लेते हैं और इसके बाद जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। टाइगर अपने ट्रेनर का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें भी वो सब खाने को देते हैं जो वो खुद खाना चाहते हैं। वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसमें फैट थोड़ा भी ना हो। लचीले शरीर के लिए ज़रूरी है कि फूड के साथ ज़ोरदार एक्सरसाइज भी की जाए। इसके लिए टाइगर घंटों तक जिम में अपना समय बिताते हैं। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते रहते हैं। चलिए अब आपको एक बता देते हैं टाइगर की एक पर्सनल एडवाइस। दोस्तों टाइगर एक संतुलित जिंदगी जीते रहते हैं। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना उनकी एक अच्छी आदत में से एक है। इसके अलावा टाइगर की सलाह है कि फिट और मस्कुलर बॉडी के लिए शराब और बाकी नशीली पदार्थों से वो दूर रहते हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों टाइगर की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट। अगर आपको भी टाइगर जैसा बनना है तो आपको भी कई सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। टाइगर श्रॉफ बागी 4 में किन तीन खलनायकों से लेंगे टक्कर? बागी 3 में इस बार किस तरह के गाने रखे जाएंगे? और दोस्तों इस बार बागी 4 में कुछ नया क्या होने वाला है? दोस्तों टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी बॉलीवुड के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक माने जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों द्वारा और इन्हें कई मोस्टली हर बार स्पॉट भी किया जाता है एक ही साथ। भले ही ये दोनों यानी कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने पैर को दुनिया से छुपा रहे हैं, लेकिन फैंस सब कुछ जानते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप का इशारा तो खुद जैकी श्रॉफ ने खुद किया है और सब जानते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से बॉस कौन है? बॉस मतलब कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? होता है ना दोस्तों, हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई ना कोई तो डोमिनेंट होता है जो किसी की बात सुनता है, सुनते ही रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिशा और टाइगर की दोनों की जोड़ी में यहाँ पर दिशा मोस्ट डोमिनेंट है। टाइगर श्रॉफ सिर्फ नाम के टाइगर रह जाते हैं और दिशा के सामने उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। दोस्तों दिशा पाटनी को इसी बात के चलते दिशा पाटनी को एक टाइटल मिला था, वो था शेरनी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने टाइगर को भी पालतू बना दिया था। दोस्तों दिशा ने एक रूल बनाया था कि टाइगर किसी भी फिल्म में उनके बिना कोई इंटीमेट सीन नहीं कर सकते, और शायद टाइगर इसीलिए किसी भी फिल्मों में इंटीमेट सीन करने से बहुत ज़्यादा बचते रहते हैं। दोस्तों दिशा ने ये रूल तो बना दिया है, लेकिन